देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर टू में ये कह रहे हैं, राइट द कोफिशियंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन द फॉलोइंग. क्या बताया था मैंने कि कोफिशियंट्स क्या होते हैं? देखो अभी बताते हैं. अभी जैसे पहला लो तुम, टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. ये कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट बताओ, जो भी वेरिएबल के साथ जो भी इंटीजर होता है, दैट इज़ योर कोफिशियंट. क्या है ये कोफिशियंट? क्या होता है बेटा कि वेरिएबल, जो भी वेरिएबल है उसके साथ जो भी इंटीजर लगा हुआ होगा. जैसे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या इंटीजर लगा हुआ है? वन लगा हुआ है. दैट मीन्स यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या हो जाएगा? वन. इन्होंने खाली एक्स स्क्वायर का पूछा है, लेकिन अगर एक्स का भी पूछा होता तो सिंपल एक्स का भी कोफिशियंट क्या हो जाता? वन. ठीक है, आ जाओ तुम सेकेंड पर. हियर यू हैव टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब. एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट बता दो बेटा. एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है? माइनस का वन. यहाँ पे माइनस का साइन है, दैट मीन्स यहाँ पे माइनस वन लगा हुआ है. ठीक है, क्लियर है. एक्स क्यूब का कोफिशियंट भी बता दो. एक्स क्यूब का कोफिशियंट हो जाएगा तुम्हारे पास वन. सिंपल. अब आ जाओ उसके थर्ड पार्ट पर. यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या हो जाएगा? देखो एक्स स्क्वायर के साथ है पाई बाय टू, है कि नहीं? तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या हो जाएगा? पाई बाय टू. सिंपल है कि नहीं? फोर्थ पे आ जाओ. यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट बताना है तुम्हें. तो देखो यहाँ पे जब एक्स स्क्वायर ही नहीं है, उसका कोफिशियंट क्या हो जाएगा बेटा? ज़ीरो हो जाएगा. सिंपल, जो चीज़ मौजूद ही नहीं है उसका कोफिशियंट क्या? ज़ीरो. तुमसे कोई एक्स का कोफिशियंट पूछ ले तो क्या बता दोगे यहाँ पे एक्स का कोफिशियंट? रूट टू. बिल्कुल समझ में अच्छे से आ गया ना सेकेंड क्वेश्चन भी. अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पर.